हमारे घरों में बिजली की जो केबल यूज की जाते हैं कॉपर या एल्युमिनियम के, उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर लगे होते हैं। तो अब सवाल आता है कि केबल में एक मोटा एल्युमिनियम का या कॉपर का वायर भी तो लगा सकते हैं। ये पतले पतले इतने सारे वायर लगाने की क्या जरूरत है, जबकि पतले वायर वाली केबल बनाना थोड़ी मुश्किल भी है और थोड़ी कॉस्टली भी। फिर भी हम इन्हीं को बनाते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारे घरों में जो भी बिजली का सामान यूज करते हैं वो सारे ही अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट की एक खास बात होती है कि जब भी बिजली किसी भी कंडक्टर से फ्लो होता है तो यह कंडक्टर की पूरी बॉडी में से फ्लो नहीं होता, बल्कि उसके सरफेस के आसपास ही फ्लो होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से बढ़ जाते हैं लॉसेस। तो इस इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए ही केबल्स में इतने सारे पतले पतले वायर यूज किए जाते हैं।